मैं फार्मर हूँ, किसान, हिसार डिस्ट्रिक्ट का हरियाणा से आए हैं और मोदी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आए। हम लोग तेलंगाना से आया, बहुत दूर से आया। हम 300 आदमी को बाहर निकला। 4 दिन से पहले हम दिल्ली आने को घोषित करके आया। हमारे को आने जाने को बहुत मुश्किल हो गए। जी, मैं लखनऊ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से रैली में भाग लेने के लिए। मैं झारखंड दुमका जिला से यहाँ पर आए हैं। मोदी सरकार से फार्मर को बहुत बहुत तकलीफ होता है। हमारी मांगे हैं, जो हमारा बकाया राशि पई है भत्ता मारा, वो हमारे को नहीं मिल रहा। डीजल के दाम आसमान पर छू रहे हैं, पेट्रोल के। इतना डीजल पेट्रोल कभी महंगा नहीं हुआ जितना भी पहुंचे। मोदी जी का वादा था क्या, मैं 40-35 रुपये डीजल दूंगा, और 75 रुपये डीजल पहुंच चुका है जी। सबसे पहले हमारी मांग है आके स्वामीनाथन आय की रिपोर्ट जो है, जो हमारे हित में और मजदूर के हित में है और देश के हित में है, उसको तुरंत लागू किया जाए। क्योंकि ये अपने प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी अपना घोषणा पत्र में भी लिखा था जी, यदि मैं सत्ता में आऊँगा तो स्वामीनाथन आय की रिपोर्ट लागू। हम लोग की मांगे हैं कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिया जाए। आवारा पशु जो घूम रहे हैं उनका कोई बंदोबस्त सरकार करे। हमारे जो किसान लोग हैं उनको बिजली इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है हमारी, उसके दाम हमें कम किए जाएँ। खाद हम लोगों को यूरिया मिल नहीं रही है, डाई मिल नहीं रही है, उसकी व्यवस्था सरकार करे और उसको कम लागत में दे, क्योंकि वो उसकी ब्लैक मनी हो रही है, ब्लैक हो रहा है, तो उसको सस्ते दामों में हमें प्रोवाइड कराए। और हमारे परिवारों को जो है, जो किसान परिवार है, उनका बीमा हो और उनके परिवारों को पेंशन दिया जाए। ये इन डिमांड्स को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। सन 65 में हमारे देश की वो हालत थी कि हमारे पास अनाज विदेशों से मंगाते थे। किसान ने इतनी मेहनत करी, आज हमारे देश के भंडार भरे हुए हैं। किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है? किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा है, इसलिए किसानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जो जरूरतमंद की चीज़ें हैं, ट्रैक्टर है, डीजल पेट्रोल है जिसे काम लेते हैं, वो आसमान छू रहे हैं, और किसान की पैदावार जो है उसका कोई खरीदने वाला ही नहीं। माल पहाड़िया पहाड़ियाओं का जो है, जो सरकार रघुवर सरकार ने वादा किया था कि हम पहाड़िया आदिम जनजाति को हम डाकिया द्वारा अनाज पहुंचाएंगे, लेकिन वहां पर हमने देखा कि प्रखंड पर जा करके देखा कि उसमें बहुत ही लाभों को जो है वंचित हो चुका है। यूपी के किसानों की सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त है कि जो छुट्टा जानवर हैं, जिनको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह का भय का माहौल है कि कोई गाय ले जा रहा है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है, तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। एक एक खेत के अंदर 24-24 जानवर ऐसे फसल खा रहे हैं, और पूरे दिन रात घर वालों को जो है वहाँ पर किसानों को उसकी निगरानी करने के लिए रहना पड़ रहा है। किसान को बहुत तरीके की परेशानी है। हमारे खाद बीज में थोड़ा कमजोरी है, खाद बीज नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो है हमारे किसानों पर जो है बहुत तरह के कर्जा, मैंने लोन लेने के बाद है, लोन भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। हम लोग सोचते हैं कि देने से हमारा खेती का जो है होता। अब सुखाड़ हो चुका है झारखंड में, तो हम लोग तो अभी तो नहीं
तो इस चीज के लिए हम लोग जो फसल बीमा जो होता है उस बीमा के लिए भी हम लोग चाहते हैं। कर्जा बहुत ज्यादा है, उस कर्जे को भी सरकार ने जो कम किया, योगी सरकार ने किसी का 50 पैसे कम किया, किसी का 1 पैसे कम कर दिया। तो इस तरह से बीजेपी सरकार जो किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है उसके खिलाफ रोष है पूरे किसानों के अंदर, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मोदी जी ने जो कहा था अच्छे दिन आएंगे, हमारे ख्याल से वो कुछ पूंजीपतियों के आए हैं और मोदी जी के खुद उनकी पार्टी के आए हैं, किसानों के तो खैर अच्छे दिन नहीं आए हैं। हमारी मांग तो न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए, जो कपड़ेबाजियाँ हो रही हैं ये राजनीति का आपसरी में रिजल्ट तो नहीं दे रहे कोई भी। कांग्रेस बीजेपी की ऊपर लाथन लगाती है, बीजेपी वाले कांग्रेस पर लाथन लगाते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई होती नहीं। अगर कांग्रेसी भ्रष्टाचारी थे तो उनको सजा क्यों नहीं हुई अब तक? कल को सत्ता परिवर्तन हो जाता है, बाई चांस कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाती है तो वो बीजेपी वालों के साथ यही सलूक हुआ करेंगे, इनको कुछ नहीं होने जाने वाला। इसलिए हम चाहते हैं इस देश के अंदर मजदूर किसान की कोई सरकार आए, सादा सरकार हो जो इस देश का मजदूरों का और किसान का भला कर सके।